हे गाइस, तो गुड इवनिंग। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का तुम हमारे ब्लॉग पे स्वागत है। तो आज डे हो चुका है फ्राइडे और मैं अपना ब्लॉग डाल रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। आई थिंक हो गए 4 से 5 दिन बीच में गैप आ गया। तो गैप क्यों आया मैं बताती हूँ हाँ आप लोगों को। तो मैंने ना वीडियो वगैरह घर के प्रॉपर तरीके से शूट किए थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं, मैं बोलूँगी आप लोगों को थोड़े बहुत मैंने शूट किया था। लेकिन फिर बाद में ना घर आए थे, आने के बाद हबी ने मतलब फ़ोन को अपडेट किया था फ़ोन, तो मुझे नहीं पता। जो पुराने मैंने थोड़े बहुत वीडियो शूट करके रखे थे ना, अपडेट करने से वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने सोचा ऐसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, सीधा मैं आप लोगों को यहाँ का ही दिखाऊँ। और बस सब्ज़ी बन चुकी है हमारी बैंगन की, तो मैं उसको बंद करने आई थी। और फिर मैंने सोचा चलिए कोई ना, आने के बाद आप लोगों को पता है 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। जैसे रूम को सेट किया, थोड़ा बहुत मतलब क्लीनिंग का हो गया था सारा काम, झाड़ू पोछा कपड़े सब इतना ज़्यादा मतलब फैल चुका था, सारा काम कंप्लीट किया है। उसके बाद ही कुछ मतलब फ़ोन उठाया, वीडियो शूट करने का मन कर रहा था। तो अभी आप लोगों के साथ कंटिन्यू और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स अपलोड करूँगी डेली। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ध्रुव भी आ चुका है, ये देखिए अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। मेरे पापा आइसक्रीम, और ये ना दो टॉयज यहाँ आने के बाद न्यू लेके आए, एक तो इसके चाचू एक इसके मतलब पापा, और हम दोनों ही गए थे कल। तो गाइस बड़ा मन करता था कि डेली वीडियो शूट करूँ, फिर बाद में ना ऐसे होता था कि नहीं जल्दी जल्दी अपना जो काम है ना वो उनको फिनिश कर लेती हूँ, फिर बाद में ना थोड़ा सा फ्री होके मतलब अच्छे से वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ। मन तो मेरा बहुत होता था, एक दिन भी मेरे से ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो ना डालूँ, लेकिन फिर कुछ मजबूरियाँ थी और वहाँ के ना मैंने थोड़े बहुत वीडियो शूट किए थे, ज़्यादा तो नहीं आते टाइम, तो वो फिर सारे वीडियो डिलीट हो गए और अचानक से फिर मेरा मन नहीं किया वहाँ का इसलिए। और अभी प्रॉपर तरीके से सब सेट हो चुका है और मेहंदी लगवा के आई थी, ये देखिए दादी घर से, और ये देखिए क्या कर ले हो। और आज देखिए ध्रुव का कटिंग हुआ है, ध्रुव दिखाना अपना कटिंग ना। दिखा दो बेबी प्लीज। ये बच्चा, ये देखिए इस साइड ना कट करवाया है, ये देखिए एक साइड दिखाना ऊपर। पापा आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? और ये टॉयज कौन लेके आया? कौन से चाचू? केस। और एक मम्मा पापा लाए थे, और काले ऐसे नहीं, आपको सुनाई नहीं देता आप ऐसे कान करके। और ये देखिए ये वाली जो बेडशीट्स है ना, ये मैं यहाँ आने के बाद ही लेके आई हूँ, 2 कॉटन की बेडशीट है। तो जो पहले मेरे पास बेडशीट थी ना, वो वाली बेडशीट थोड़ी सी सिल्क टाइप में थी, तो मतलब इनको गुस्सा आता था कि ये वाली ना सिल्क टाइप में जो बेडशीट है ये मत लगाओ यार, और न्यू लेके आ जाओ। लेकिन मैं ना फिर कुछ टाइम से घर चली गई, फिर मैंने बोला था इनको आने के बाद ही लेके आएंगे, तो ये वाली बेडशीट मैं 2 लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा दिन मतलब ऐसे ही लगी रहती है और बिल्कुल भी नहीं बिखरती। तो ये देखिए, और सब्जी भी हमारी बन चुकी है, ये देखिए बैंगन की सब्जी बनाई है, थोड़ी सी मैंने ना सूखी बनाने की कोशिश की है लेकिन फिर वो ना इस तरह से बनी है, देखिए। और दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। बस मेरा एक काम रहता है, जो ये किचन के डब्बे हैं ना, इनको मेरे को करना है क्लीन। ये मैंने आने के बाद क्लीन नहीं किया, बस थोड़ा बहुत इनके अंदर सामान पड़ा है वो निकाल के मैं इनको करूँगी अच्छे से क्लीन। तो चलिए फटाफट से करते हैं और काम, ठीक है। और फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, फ्रिज में सब्जियाँ वगैरह रख दी है मैंने, ऐसे थोड़ा बहुत और सामान लेके आना फ्रिज का। और ये हम तो कवर लगा लेती हूँ, फ़ोन का मैं कवर ही लगा के रखती हूँ ज़्यादातर, जब भी वीडियो शूट करना होता है ना, कई बार ऐसा होता है फ़ोन गिर भी जाए ना तो नुकसान नहीं होता। अभी थोड़ा सा मैंने साफ़ किया था कैमरा, मतलब ब्लर हो चुका था। तो चलिए अभी फटाफट से बना लेती हूँ चपाती, और ये देखिए बन रहा है।
और ध्रुव फिर से वही लगा हुआ है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया। आराम से प्यार से खेल रहा है, मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। और इसके पापा गए कुछ काम से, कहाँ लाने गए? और ये लेके हैं इसके चाचू चॉकलेट, एक मेरी है। और ध्रुव आप तो खा चुके हो, मेरी रोटी भी जल गई बात करते करते। ये देखिए बेटा आप खा चुके हो, तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ चपाती। और ये इसके चाचू दो लेके आए थे कल, रख देती हूँ एक इसको। चाचू लाए क्या? मेरे चाचू लाए। कौन लाए? चाचू लाए। चाचू तो चलिए खाते। तो बस रोटियाँ हमारी बन चुकी है, सारी रोटियाँ बन गई। अभी सिर्फ एक लास्ट ये वाली रहती थी, घी लगा के रख दिया। इसको कवर करके रख देंगे क्योंकि खाना अभी कोई नहीं खा रहा। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी टप टप की, तो ये मेरे को ना बाल्टी का ढक्कन है, इसको करना है क्लीन। देखिए कितना गंदा हो चुका है आने के बाद, इसको बेचारे को टाइम ही नहीं लगा। तो खाना हमारा बन चुका है। और ये देखिए किचन में कुछ सामान नीचे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है, और कुछ डब्बे आए हैं घर में। ये देखिए तो चलिए अभी फटाफट से मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि घर लग रहा था बनाते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलिए नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं क्या लेके आई हूँ क्या नहीं, वो आप लोगों को धीरे धीरे ब्लॉग्स के साथ शेयर करती रहूँगी। ससुराल से जो लेके आई हूँ और मायके से जो लेके आई, वो भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, मैंने वो जानबूझ के नहीं दिखाया। एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी साड़ी लेके आई हूँ, वो साड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कुछ टाइम में, और कुछ स्पेशल डे पे मैं पहनने वाली हूँ उसको। चलिए मैं हे गाइस, तो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और नहाने के बाद एकदम अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, गर्मी में खाना खुना बनाओ तो थोड़ा सा होता है। और अभी थोड़ा सा मतलब मौसम अच्छा हो गया, ठंडा थोड़ी हल्की हल्की लगने लगी ठंड। और अभी ध्रुव के पापा आए हैं, तो ध्रुव के आए इसके लिए आइसक्रीम। और कब से लगा मम्मा आइसक्रीम दे दो, क्या चाहिए? तो पहले बोलो हे गाइस मैं आ गया मोहाली। दिखा दो तो चलिए कहाँ है? ओ पापा तो तेरे दो लेके आए हैं, मैंने बोला था एक ही लेके आना, तो ये लेके हैं वनीला वाली, छोटी सी है। चले मुझे टेस्ट कराओगे? ले चल, चलो आओ ध्रुव आओ, खाते हैं दोनों मम्मा बेटा। तो देखो चम्मच कहाँ है? चम्मच नहीं आया? ओ नो, अब क्या करें? ऐसे खा ले। नहीं मैं चम्मच लाती हूँ। मम्मा को भी खिला देना थोड़ा सा, आप खाओ पहले। और आजकल ना कोई भी चीज मांगो तो दे देता, पहले चीज नहीं देता था, अब इसको ऐसे हाँ? और अभी ना मेरे ने जाड़ की जैसे आरसीटी हुई है ना, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि आइसक्रीम जितना उसके आप खाओ और ठंडी चीज़ें जितने उसके खाओ, क्योंकि इसमें ये मेरा रेड रेड किसका आ रहा है? ओहो ये टीवी चल रहा है देखिए, तो इसका। और आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मैं तुम्हें शेयर करूँगी, और चंडीगढ़ के बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए। और आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड।
खाना खुना भी नहीं खाया। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ एक नेक्स्ट और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। तो बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस, प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए।